राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के मौके पर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। जिले के डीएम और एसएसपी ने भगत सिंह चौक से सड़क जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की शपथ दिलाई गई है। बता दें कि ट्रैफिक जागरूकता रैली जिले भर में कई स्थानों पर पहुंचेगी, साथ ही स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों के लिए जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर जिला अधिकारी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक बने और लापरवाही से वाहन नहीं चलाएं, तभी सड़क हादसों में कमी आएगी। वहीं एसपी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं सारे स्कूल्स में, तो जनपद के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को अवेयर करने के लिए एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पुलिस की टीम रहेगी और आरटीओ की टीम रहेगी और प्रशासन के भी टीम रहेगी। तो ये लोग लगातार बच्चों को अवेयर करेंगे, उसका रीज़न ये है। और आज के दिन हम यही आशा करते हैं कि हमारे जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, जितने भी एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर में उससे बहुत कम संख्या में उसको कम करने में हम लोग सफल हों। जो ये सड़क सुरक्षा माह हमारे द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये पूरे प्रदेश भर में ही आयोजित किया जा रहा है। इसका जो मुख्य पर्पज़ है वो एक तरीके से लोगों में जो जागरूकता है ट्रैफिक के नियमों के प्रति उसको करना है। इसमें हम स्कूल लेवल से लेके स्कूल स्तर पर भी और अन्य जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी सुनेंगे और उस पर क्या हम लोग बेहतर तरीके से सड़क सुरक्षा को कर सकते हैं, इस पर हम लोग वर्क करेंगे।